तो यहाँ भी आपको कुछ वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। ये थोड़ा फ्लोट है नहीं यहाँ पर, बट फिर भी शायद मे बी पॉसिबल हो सके। तो वही वाइब्रेशन हाँ नोटिस कर पा रहे हैं अपन, यहाँ भी वाइब्रेशन थोड़ा नोट हो रहे हैं। हाँ मेरे को वाइब्रेशन लगा इसके अंदर थोड़ा, देखो चलाने में मेरे को वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ बाइक के अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत, और आज अपने सामने फिर से खड़ी है रॉयल एनफील्ड की द ऑल न्यू हंटर 350। देखो बाइक के बारे में मैंने आपको इसका रिव्यू वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर किया, ड्राइविंग एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों को इस बाइक का कैसा था वो बताया, और मतलब बहुत सारे लगभग 7-8 वीडियो इस बाइक के ऊपर मैंने रिगार्डिंग डाले, और आपने काफ़ी उन वीडियो को प्यार और सपोर्ट भी दिया, तो उसके लिए सबसे पहले बहुत सारा थैंक यू। तो आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं हंटर 350 का वाइब्रेशन टेस्ट। कैसा क्या इस बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशन मिलता है या नहीं मिलता, क्या रॉयल एनफील्ड ने अपनी और बाइक में जैसे धीरे धीरे कर रही है वैसे वाइब्रेशन क्या इसमें से भी ख़त्म कर दी है, वो अपन देखने वाले। देखो इंजन की बात करूँ तो इंजन वही सेम पुराना इंजन मिल जाता आपको, जो कि पहले की जो क्लासिक वगैरह आती थी उनमें जो मिलता था वही सेम इंजन मिलता है। इंजन की एक बार अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको वही पुराना 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो 20.2 BHP की मैक्सिमम पावर और 27 NM का पीक टॉर्क जनरेट करता है। तो ऐसी है कुछ रॉयल इनफील्ड की नई हंटर 350। तो सबसे पहले मैं आपको रॉयल इनफील्ड की नई हंटर 350 का एग्जॉस्ट साउंड सुना देता हूँ, कैसा इसके अंदर आपको एग्जॉस्ट नोट मिलता है और कैसा साउंड मिलता है। तो कुछ इस टाइप का एग्जॉस्ट नोट, और अब सुनते हैं अपन इसका साउंड। तो ये है कुछ एग्जॉस्ट नोट का साउंड, पहले वाले के मुकाबले काफ़ी अच्छा साउंड है, जो और बाइकों में आता था उनसे काफ़ी अलग और काफ़ी अट्रैक्टिव साउंड है। अब अपन देखते हैं इसका वाइब्रेशन टेस्ट। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास है पानी का गिलास, वो मैं यहाँ रख देता हूँ। तो वाइब्रेशन अपन देखें तो हल्का फुल्का इसके अंदर आपको वाइब्रेशन दिखेगा, आप देख सकते हो पानी को हिलता हुआ। और अब मैं थोड़ा सा इसका थ्रोटल देता हूँ, तो दिखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 अभी भी थोड़ा बहुत वाइब्रेशन कैरी कर रही है। अब मैं ड्राइविंग सीट है उसके ऊपर रख पे देखता हूँ, तो मैं फिर से थ्रोटल प्रेस करता हूँ, ये देखिए आप। तो यहाँ भी आपको कुछ वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं अपन टैंक के ऊपर, ज़्यादा वाइब्रेशन आपको इसमें देखने को नहीं मिल रहा, गिलास इतना हिलता डुलता हुआ भी नहीं लग रहा है जो पहले की और बाइकों के मुकाबले लगता था। अब टैंक के ऊपर अपन टेस्ट करें आप नोटिस कर पा रहे हो कि थोड़ा बहुत फुटेज के अंदर आपको टैंक के ऊपर दिख रहा होगा, यू कैन नोटिस इट। तो यहाँ अपन ने देख लिया, अब एक बार मैं कोशिश करता हूँ कि जो इसका जो ये हैंडल बार है उसके ऊपर रेक कर अपन टेस्ट करें। तो देखो ये थोड़ा फ्लोट है नहीं यहाँ पर, बट फिर भी शायद मे बी पॉसिबल हो सके। तो हाँ थोड़ा बहुत इसके अंदर भी यहाँ वाइब्रेशन अपन नोट कर पा रहे हैं, बाकी मैं यहाँ रखूँगा तो शायद गिलास जल जाएगा, और बाकी मैं रख ही लेता हूँ। अब तो अपन ने कर भी लिया लगभग। तो भाई देखो यहाँ, तो यहाँ आप साफ तरीके से नोटिस कर पा रहे होंगे कि थोड़ा बहुत वाइब्रेशन इसके अंदर नोट हो रहा है, और थोड़ा ज़्यादा ही मान सकते हो आप। लेकिन मतलब जो चलाने के अंदर मैंने राइडिंग एक्सपीरियंस अपना शेयर किया था इस बाइक के प्रति, उसके अंदर इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं दिखा था मेरे को। फेंडर के ऊपर एक बार फिर से अपन रख के चेक कर लेते हैं। देखो पहले मैं गिलास को थोड़ा हाँ बैलेंस कर देता हूँ, अब देखिए आप। तो भाई वाइब्रेशन हाँ नोटिस कर पा रहे हैं अपन, यहाँ भी वाइब्रेशन थोड़ा नोट हो रहे हैं। तो बाकी ये कर लिया अपन ने इसका वाइब्रेशन टेस्ट। क्या राय है आपकी इस वीडियो पर, और क्या वाइब्रेशन अभी भी रॉयल इनफील्ड में बरकरार है, आपका क्या कहना है इसके अंदर। हाँ मेरे को वाइब्रेशन लगा इसके अंदर थोड़ा, देखो चलाने में मेरे को वाइब्रेशन बिल्कुल भी फील नहीं हुआ बाइक के अंदर, लेकिन जब मैंने इसको मतलब ये ग्लास वगैरह रख के टेस्ट किया तो मेरे को ऐसा फील हुआ कि हाँ यार बाइक के अंदर वाइब्रेशन है, उतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत अपन बोलें तो वाइब्रेशन है गाड़ी के अंदर। तो ये थी रॉयल इनफील्ड की हंटर 350, ये था इसका वाइब्रेशन टेस्ट। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा ज़रूर हमें कमेंट्स में। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।